किसी को भारत में क्रांतिवीर सावरकर को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये देशभक्त वीर सावरकर ने जिस प्रकार से भारत का गौरव बढ़ाया, जो उन्होंने भारत के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान किया, हम सब उनके आदर्शों को, हम सब उनके त्याग तपस्या को आदर करते हैं। और मैं समझता हूं अगर कोई व्यक्ति वीर सावरकर का अपमान करके महाराष्ट्र से जाते हैं और फिर भी कुछ राजनेता राजनीतिक लाभ और राजनीतिक हताशा के कारण उस बात पर भी वीर सावरकर के आदर्शों को छोड़ देते हैं, मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्य है। ये जरा भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि भारत में एक भी ऐसा व्यक्ति होगा, एक भी ऐसा देशभक्त होगा जो वीर सावरकर के बलिदान से अपने आप को गौरवान्वित नहीं महसूस करता। सर, ऐसी कहानियों को कितना अहम मानते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में जब इंडिया दल की बैठक हुई थी, सभा हुई थी, उस दरमियान भी राहुल गांधी उद्धव ठाकरे स्टेज साझा करते नजर आए। वो उद्धव ठाकरे जो कभी राहुल गांधी के कट्टर विरोधी रहे हैं और सावरकर, ऐसा दुर्भाग्य है कि उद्धव जी ने शायद सत्ता के लोभ में मित्रों को छोड़ दिया और हिंदू धर्म के आलोचक, हिंदू धर्म के और हमारे ऐसे क्रांतिकारी वीर सावरकर जैसे योद्धाओं को त्याग दिया और कांग्रेस के साथ जुड़ गए और राहुल गांधी जी के पीछे आज एक टूटी फूटी अलायंस के अंदर भाग ले रहे हैं। ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है।